आईपीएल 2022 को लेकर गाइस यहां पे आरसीबी के टीम की तरफ से हम सभी को एक बहुत ही बड़ी न्यूज देखने को मिली है। आरसीबी कितना ज्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में और पूरे एशिया में, तो गाइस यहां पे उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही युजवेंद्र चहल ने गाइस यहां पे आरसीबी को लेकर एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है और साथ ही में गाइस यहां पे ऑक्शन हम सभी को 12 और 13 तारीख को कितने बजे से स्टार्ट होता हुआ नजर आने वाला है और कितने बजे तक चलने वाला है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडिया का नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसका नाम है रेडी अन्ना। रेडी अन्ना 2010 से इंडिया में काम कर रही है एंड गाइस यहाँ पे आप लोग अभी 160 से भी ज्यादा यहाँ पे गेम्स खेल सकते हैं। 15 से ज्यादा इनके पास साइट्स है, 100 से भी ज्यादा इनके पास ब्रांच है इंडिया में और गाइस यहाँ पे 24/7 का आपको विड्रॉल मिल जाता है एनी टाइम। एंड उसके साथ साथ गाइस आप लोग यहाँ पे इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। पेमेंट प्रूफ देखने के लिए आप लोग यहाँ पे सीधे नीचे आपको कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। कमेंट पे दिए गए रेडी अन्ना से अगर आप लोग टेलीग्राम एंड नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करते हो तो आप सभी को गाइस यहां पे एक्स्ट्रा बोनस मिलने वाला है। तो फटाफट जाके आप लोग कांटेक्ट कीजिए और यहां पे बोनस पाइए। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूज के बारे में। सबसे पहले न्यूज निकल कर आ रही है आरसीबी के तरफ से। तो गाइस यहां पे हम सभी को, तो गाइस यहां पे आरसीबी की टीम गाइस यहां पे पूरे एशिया में 2021 में सबसे ज्यादा पसंद करे जाने वाली टीम में से एक रही है एंड नंबर वन पे रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। जी हाँ, अब अगर हम लोग बात करें पूरे वर्ल्ड में तो गाइस यहां पे वर्ल्ड में गाइस यहां पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम नंबर 3 पे रही है। सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स में पसंद करे जाने वाली टीम का हिस्सा पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम रही है आईपीएल 2021 में एंड का हिस्सा पे 2021 में सबसे ज्यादा पसंद करे जाने वाली टीम में से एक है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है आरसीबी के टीम के लिए और आरसीबी के फैंस के लिए, क्योंकि आरसीबी के फैंस के बिना का हिस्सा पे ये नहीं हो पाता एंड सबसे ज्यादा पसंद करे जाने वाली टीम में से एक है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। तो गाइस अब हम बात करते हैं दूसरी न्यूज के बारे में। दूसरी जो न्यूज निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है गाइस यहां पे आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन को लेके, टाइमिंग को लेके। तो गाइस हम सभी को ऑक्शन गाइस यहां पे कितने बजे से स्टार्ट होता हुआ नजर आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग एक अपडेट निकल कर आ रही है। तो गाइस यहां पे ऑक्शन हम सभी को 12 तारीख को नजर आने वाला है, 12 बजे से स्टार्ट होता हुआ नजर आने वाला है। जी हां गाइस यहां पे 12 बजे से गाइस हम सभी को ऑक्शन स्टार्ट होता हुआ नजर आने वाला है। अब गाइस हम बात करते हैं कितने बजे तक गाइस यहां पे चलने वाली है ऑक्शन। तो गाइस यहां पे 5:30 बजे तक हम सभी को ऑक्शन पूरी तरीके से नजर आने वाली है एंड 5:30 बजे ऑक्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं गाइस यहां पे 13 तारीख को कितने बजे से स्टार्ट होगा। तो गाइस यहां पे 13 तारीख को भी बिल्कुल सेम टाइमिंग रहने वाली है आईपीएल 2022 की मेगा ऑक्शन की और हम सभी को जिस तरीके से 12 तारीख को ऑक्शन देखने को मिलेगा उसी तरीके से हम सभी को पूरी तरीके से 13 तारीख को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार गाइस यहां पे खिलाड़ी बहुत ज्यादा है और गाइस यहां पे इस बार बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस साल के ऑक्शन में। तो गाइस अब बात करते हैं युजवेंद्र चहल के बारे में। युजवेंद्र चहल ने गाइस यहां पे आरसीबी को लेकर उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। तो गाइस यहां पे युजवेंद्र चहल से गाइस यहां पे पूछा गया था कि इस बार आप ऑक्शन में एंड आप कौन सी टीम में जाना पसंद करेंगे और आप कौन सी टीम में जाना चाहते हैं। तो गाइस उन्होंने कहा कि आरसीबी की टीम में मैं जाना चाहूंगा एंड जहां से मैं निकला हूं, मैं अगर आरसीबी की टीम में गया तभी मैं यहां पे पहुंचा हूं एंड आरसीबी की टीम नहीं होती तो शायद आज मैं यहां पे नहीं होता, क्योंकि पहले मैं मुंबई इंडियंस की टीम में था एंड वहां पे मुझे मौके नहीं मिल रहे थे, बहुत ज्यादा कम मौके मिल रहे थे एंड जब आरसीबी की टीम में आए, आरसीबी की टीम में उनको मौका दिया गया एंड उसके बाद हम सभी को युजवेंद्र चहल नजर आए हैं। और गाइस आप युजवेंद्र चहल को आरसीबी की टीम रिटेन करती थी लेकिन इस साल रिटेन नहीं किया गया, लेकिन उनका कहना है कि इस बार फिर से उनको आरसीबी की टीम अपने टीम में इंक्लूड करने वाली है आईपीएल 2022 के लिए। और गाइस आप युजवेंद्र चहल चाहते हैं कि आरसीबी की टीम में मैं जाऊं और उनको पूरी तरीके से पता है कि आरसीबी की टीम उनको फिर से इंक्लूड करने वाली है आईपीएल 2022 के लिए। तो गाइस आप ये 3 बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी युजवेंद्र चहल की तरफ से एंड आरसीबी के पॉपुलैरिटी को लेकर एंड गाइस आप ऑक्शन के टाइमिंग को लेके। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।